आपके पास इतनी है, जैसे मैंने दो पुस्तक लिखी है, ये एक तो इंग्लिश में लिखी है सबसे पहले, ये मैंने इंग्लिश में लिखी थी क्योंकि इसमें वीडियो प्रेस का ऑप्शन है, और दूसरी बात तो ये है सब लिखी हो गई थी आपकी नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले लिखी थी आपकी। दूसरे नंबर पर सब लोगों ने कहा कि मैं किसान नहीं समझ सकते अंग्रेजी, तो ये जनरल जो है सब हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसके लिए आप लिखी है, तो मैंने इसी को इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ये सब अमेजोन पर अवेलेबल है, किसानों की आय दूनी कैसे की है, तो इसमें मैंने सबसे बड़ी चीज एम्फसाइज की है कि किसानों का एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे चकौती हो गए होगी तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे चकौती नहीं हुई है वहाँ पे अगर मान लिया अपने पास 10 एकड़ खेत है या 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ खेत है तो कम से कम 5 जिले वहाँ पे छिपे हुए हैं। ये तो एक सरकार की प्रॉब्लम है कि सरकार तो चकौती करके और सही करना चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर आप अपने खेत को ये देखें कि हम अपने खेत में कैसे ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं, तो उसके 3-4 सेट फार्मूले हैं, आपको किसी योजना में अपनाना ही होता है। आप लोग भाग्यशाली है कि आपके पास पर्याप्त पानी है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में जहाँ पानी ही नहीं है, आपके पास पर्याप्त पानी है, आप यहाँ कोई खेती कर सकते हैं। जैसे गुजरात में पानी की कमी है, वहाँ पे एक किसान ऐसा है, एक या सैकड़ों किसान ऐसा है जो चंदन की खेती करके करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, चंदन की खेती से करोड़ों रुपये। ये खेती में आपको बता रहा हूँ कि खेती में कितनी आमदनी कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। केवल चंदन की खेती से 14 करोड़ एक किसान ने चंदन की केवल रेजा पाए अपना अनुमान है, और छोटा किसान का फायदा नहीं है। दूसरा, आप अपनी खेती में ये मान रही है कि फूल की खेती या मसाले की खेती, जो किसान दूर लगा था उनका मंडी संपर्क कम है, वो मसाले की खेती भी कर सकते हैं। आप ऐसी खेती का चुनाव करिए जो ज़्यादा आमदनी है, ना कि ज़्यादा पैदावार किसी में होती है, पहले आमदनी आप ज़्यादा लीजिए और उस खेती को जो आप करिए उसमें ज़्यादा पैदावार लीजिए। पशुपालन पर ध्यान दीजिए, बाकी मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं लिखी हुई हैं यूट्यूब पर, मेरे वीडियो डाल रखे हैं उसकी बात देख सकते हैं। ये तो हो गई किसानों की बात, अब मैं छात्रों की बात करना चाहूँगा। हम सभी लोग एग्रीकल्चर के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के छात्र हैं जो यहाँ बैठे हैं, चाहे वो शुगर के डिपार्टमेंट में हो, चाहे और भी डिपार्टमेंट्स में हो, तो कोई भी छात्र है आप यहाँ पेरेंट्स जो वहाँ बैठे हैं जिनके बच्चे होंगे पढ़ रहे होंगे, उन बच्चों के लिए मार्गदर्शन के लिए, जैसे मैं कक्षा 11 फेल हुआ था, कक्षा 11 में फेल हो चुका था, उसके बाद में भी मैं बहुत पुअर स्टूडेंट था, और बाद में मैं अपने यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट बना, अपनी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था जब मैं एमएससी का डिग्री लाऊँ। ये मैंने सारी चीज़ें ऐसे छात्रों के लिए लिखी है जो छात्र सबसे कमजोर माने जाते हैं कि हमारा कमजोर छात्र है, ये कुछ नहीं कर सकता है, पेरेंट्स से मानते हैं या अपने माँ बाप मानते हैं कि हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, तो उनके लिए भी मैंने सारी चीज़ों में एक पुस्तक लिखी है जो अभी बस 3 महीने बाद आएगी, 3 महीने बाद में जब आ जाएगी तो मैं आपको सूचना दे देंगे उनको किसी न किसी माध्यम से कि एक छात्र जो कि फेल भी हो, जिसको मंदबुद्धि भी कहा जाता है, सब कुछ कह सकते हैं आपके बिल्कुल बेकार है कॉलेज में, वो भी लड़का कैसे सफल हो पाए, वो भी बच्चा कैसे सफल हो पाए, उसके लिए वो एक बहुत बड़ी मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा। तो उसे और कोई भी विद्यार्थियों के लिए यही बात है कि जैसे आपने बताया इच्छा शक्ति पंक्चुअलिटी और जो चीज़ आप तय कर लें कि हमें काम करना है फिर तो उसमें कोई सेकंड पार्ट में आइए और बस ये पौटे जाइए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। बस मुझे यही कहना था कृषि पे शिक्षा के लिए, कृषि शिक्षा में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी मेरा एक है तो लगभग 2.5 लाख के मतलब 2.5 लाख का उसका आना भेजने की सैलरी है उसमें गए, तो आप सोचिए कि कोई आई एस होता है, कोई पी सी एस हो जाता है, कोई कितने ही बड़े उसमें जाता है, लेकिन इतनी सैलरी नहीं होती, इतनी सैलरी जो है एग्रीकल्चर में और वैज्ञानिक वगैरह अच्छे अच्छे पोस्टों में पाते हैं, 2.5 लाख के उसमें था। इसके पहले वो काम कर रहे थे मेक्सिको में, 5 लाख पिछली बार आए थे यहाँ पे, 5 लाख महीने के लिए रखा है, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर कोई आदमी इसको देखिए समझा कि एग्रीकल्चर में इतना पैसा है तो ऐसा नहीं है, आप उसमें प्रयास करिए और आगे बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चे जो एग्रीकल्चर के भविष्य बताने के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे, क्योंकि अभी हमारे बीच जितने डॉक्टर आप लोग आए हुए हैं वो आपके ही क्वालिफिकेशन से आए हैं, आपने ही एक महीने का बहुत मेहनत किया है और सबके सबको जोड़ करके और आज यहाँ आने का पहुँचे हैं। हम श्रीमान डॉक्टर शिवपूजन सिंह से आज निवेदन करेंगे कि आप आकर के हमारे
लौकी के बारे में इतना बड़ा जो अचीवमेंट आपने हासिल किया है कुछ बच्चों को प्रेरित करने की कृपा करें और कुछ बताएं कि बच्चे आप ही जैसे वैज्ञानिक कैसे बन सकते हैं, IAS और अन्य क्षेत्रों में जाना अलग बात होती है लेकिन वैज्ञानिक बन के पूरे जीवन की साधना एक जगह उपलब्धि के रूप में इकट्ठा करना बहुत बड़ा जीवन साधना होती है। आप अपने अनुभवों को बताएं तो बहुत कृपा हो। बच्चों को प्यार और बच्चों को विशेष रूप से मैं पूछना चाहूंगा कि कितने बच्चे हैं जरा हाथ उठाइए आप लोग स्टूडेंट के दिन में। वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग हमको सुन पा रहे हैं? हम मुझे सुन रहे हैं आप लोग? ओ जी वेरी गुड। मेरा आप लोगों से विशेष करके स्टूडेंट से ये कहना है, सुने क्या सुनिए, बड़ी सोच रखो, बड़ा बनने का सोचो, जितना बड़ा उद्देश्य होगा उतना ऊपर तुम उठ पाओ। सभी स्टूडेंट से मैं कह रहा हूं बड़ी सोचो महान सोचो, ठीक, जितना सोचोगे वहां तक या उसके थोड़ा नीचे तक रह पाओगे। इसलिए सोचने में कम मत करना, और सोचो कि क्या बनोगे, एग्रीकल्चर में भी क्या बनोगे, निकलते हैं, PCS से निकलते हैं, लेबर और हर तरीके का तुम आगे बढ़ सकते चाहे जिस तरीके। बड़ी सोच रखो और कृत संकल्प रहो। संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए कि मैं इसको प्राप्त करूंगा ही, इसमें कोई दुविधा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अपने बिल्कुल आप कृत संकल्पित रहो कि मैं इसको प्राप्त कर लूंगा। और तीसरी बात, आत्मविश्वास रखो, तुमने बहुत बड़ी शक्ति छिपी है उसको अभिनय दो, खिल जाओ फूल की तरह, अभी कली में हो फूल की तरह, महकते फूल की तरह सुगंध भर फैलाओ चारों दिशाओं। पहली बात महान सोच, दूसरी बात संकल्प दृढ़ संकल्प, और तीसरी बात आत्मविश्वास। और जब महान बढ़ोगे तो आपका नाम भी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना आप लोगों ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन का अंग्रेजी में उनका एक कोटेशन है, यदि तुम चाहते हो कि अपने मरने और सड़ने के पहले प्रसिद्ध हो जाओ तो उसके लिए या तो कोई बड़ा काम करो या काम न कर पाओ तो कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक। तो आप अपने को जितना ऊपर ले जा सकते हो और तभी आपको दुनिया जान पाएगी। और मैंने क्या किया है, किस लिए मैं आया हूं, मेरे ख्याल से मेरे सोच का ये सपना पूरा हो। तो लौकी देख रहे हो लोग, और ये काम जो है ऊपर वाले
भूख हो जाती है, कहते मुझे भूख नहीं लगी भोजन ना था, लेकिन आज लौकी जो है मिल जाए तो बाछे खिल जाती है सबका, बच्चों का भी और बड़े लोगों का, वृद्धों का तो नहीं कहूंगा बड़े लोगों का। मैंने जिस दिन लौकी को 1988 में काम मिला उसी दिन सोच लिया था कि इसको ऊंचाई तक ले जाओ और ये पहुंची, तो आपकी सोच की शक्ति अगर है तो ईश्वर भी आपकी सहायता करता है। पहले आप तो सोचो, विश्वास से सोचो, ढंग से सोचो। तो ये जो मिली है मैं ये कहता हूं मैंने नहीं किया, अब मैं कहता हूं कि ये कुछ हमने नहीं किया, मेरे टेबल पर सब टपका दिया गया। क्यों? क्योंकि महान सोचोगे तो आप जुड़ जाओगे ऊपर वाले से, ऊपर वाला सब कुछ आपके लिए करके देगा। कुछ आप करोगे, आप ये करोगे, ऊपर वाला 99 आपके लिए करता हुआ मिलेगा। तो आपने लौकी की वैसे बहुत प्रजातियां मेरी हैं, ये तो श्री नरेंद्र शिवानी है, इसको आपने देखा। तो इसको बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये लौकी बिकेगी कहां। अरे मैं कहता हूं भाई, ये लौकी सब्जी के लिए नहीं है, ये लौकी लौकी की क्या होता है, सब्जी बनती है ना, और क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लौकी बेटा, लौकी सब्जी के लिए नहीं है, ये लौकी संगीत के लिए, और इसका संगीत लौकी की शंख है, आप भी सुनना चाहोगे सुन लीजिए। बोलने वाले हो
संत की तुमड़ी लो, साधु को तुमड़ी बना कर देखता होगा, देखा होगा आपने। लेकिन ये कुछ आदिवासी है राजस्थान और उड़ीसा में जो लौकी में मखना बना के शराब बेचते हैं, तो जिस तरीके से आप इसको चाहो उस तरीके से प्रयोग कर सकते हो। तो लौकी केवल सब्जी नहीं है, लौकी में बहुत सारे गुण है। लंबी कविता है, ज्यादा नहीं बताऊंगा और आप सभी को नमस्ते करता हूँ, बात करवाऊंगा डिटेल में। लौकी की कोई समस्या हो, सब्जी की कोई समस्या हो, आप बात कर सकते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
मंच पर उपस्थित वैज्ञानिक एवं अभी जो तुरंत इसके पहले लौकी के बारे में बता रहे थे ऐसे डॉक्टर शिवजन जी, डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय जी हम लोगों के साथ साथ में काम कर चुके संतोष जी एवं यहाँ पर उपस्थित अन्य वैज्ञानिक बनो अलग अलग कॉलेजों से अलग अलग विश्वविद्यालय से आए हुए वैज्ञानिक। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा विधवामान बच्चों के माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को और आज वो सफल हुए कि उनके माता और पिता एवं गुरु की कृपा से आज वो अच्छे अच्छे कॉलेजों में प्रवेश ले रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश के साथ साथ भारत गांवों का देश भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी माता पिता अभिभावक दादी दादा भाई जो भी अभिभावक है अपने बच्चों के उन्होंने जो प्रेरणा दिया कि आप कृषि संबंधित पढ़ाई करिए और अपने भारत जो ग्रामीण भारत कहा जाता है विकसित करने का काम करिए, जिस नाम से भारत जाना जाता है उस ओर जो ले गए अभिभावक अपने बच्चों को उसके लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आप भारत देश के विकास के लिए अपने बच्चों को कृषि संबंधित शिक्षा के लिए प्रेरणा दिया। साथ ही मैं भी विनीत जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि कृषि संबंधित प्रतिभा सम्मान उत्तर प्रदेश में मैंने पहली बार देखा। विद्यार्थी परिषद में रहते हुए अनेकों तरह के प्रतिभा सम्मान होते थे, हम लोग छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान हर वर्ष करते हैं प्रत्येक वर्ष करते रहे जिसमें अनेकों क्षेत्र से जो अपने छात्र हैं अन्य अन्य विषयों से उत्तीर्ण किए थे उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। लेकिन पहली बार गैर स्टूडेंट संगठन विद्यार्थी परिषद के अलावा कोई ऐसा महानुभाव मिला है जो प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया और वो भी ऐसा आयोजन जो भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। इसके पहले भारत में अनेकों तरह की जो आज टेक्निक चली है आधुनिक टेक्नोलॉजी है यंत्रीकरण है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और भारत विश्व गुरु कहा जाता था और सोने की चिड़िया भी कहा जाता था क्योंकि यही कृषि परंपरागत किसानी के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व को खाद्य पदार्थ देने में सफल रहते थे। लेकिन विदेशी अर्थकर्ताओं ने आकर के हमारी जो परंपरागत कृषि पद्धति थी उसको नष्ट करने का काम किया, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का काम किया, हमारी प्राचीन शिक्षा को नष्ट करने का काम किया। आज आप लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाए जय संकल्प ले जैसे अभी माननीय हमारे डॉक्टर शिवपूजन जी बता रहे थे जय इच्छा शक्ति के आगे सभी लोग झुक जाते हैं। उन्होंने 1988 में एक उनको लौकी के बारे में शोध करने का काम किया, उन्होंने दिखाया कि लौकी जो पहले हमारे पीने का काम करते थे हमारे जो भी लोग पुराने जमाने के लोग थे वो बड़ा ठंडा पानी उसका हुआ होता था, गोल वाली लौकी हमारे यहाँ पहले होती, वो गोल वाली लौकी को सुखा देते थे उसका बीज निकाल देते थे, बीज निकालने के बाद उसमें पानी डालते थे वो पानी जो कुएं का पानी होता था एक दिन पूरा का पूरा दिन उसी तरह ठंडा बना रहता था। जो आज हम लोग फ्रिज और एसी का काम कर रहे हैं जिसके कारण एसी और फ्रिज से प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, प्रदूषण की समस्या पहले हम लोग गांव में चलकर सोते थे तो सुबह हम लोग को कंबल ओढ़ना पड़ता था गर्मी के महीने में, आज बगैर एसी और कूलर के हम लोग नहीं सो सकते थे गांव में, तो शहर और कस्बों की बात ही छोड़िए। जैसे कि अभी मैं कह रहा था भारत देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था से चलता था, कृषि हमारी प्रधान अर्थव्यवस्था होती थी, लेकिन आज आधुनिकरण के युग में
जैसे जैसे कृषि यंत्रीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अनेकों अन्य तरह की समस्याएं मुंह खड़े हुई, जैसे कि यंत्रीकरण के कारण धीरे धीरे आज जो हम पहले बैलों से जोतते थे उसी के खाद से खेत को ऊर्जावान बनाते थे, आज वही बैल हमारे लिए समस्या का कारण बनी है कृषि, क्योंकि हम लोग एक ट्रैक्टर ले लेते हैं पूरे गांव के दो ट्रैक्टर पूरे गांव में जोड़ देते हैं, हमारे पास गाय है उसका दूध तो पी लेते हैं, जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो छोड़ देते हैं, इससे पहले वो बछड़ा हमारे जोड़ने के काम आता है। निश्चित तौर पर पहले हमारे पास कृषि उपयोग हेतु जमीन अधिक थी, बंटवारा होते 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 कम हो गया, लेकिन अब लोग आराम तलब हो गए हैं, पहले कभी किसी को मधुमेह यानी होते देखे नहीं देखे, क्योंकि वो अपने घर के पीछे पीछे चलता रहता था और जोता रहता था, उनके घर वाली उनको खाना लेकर के वहां जाती थी, दोपहर में बैलों को भी रेस्ट देते थे खुद रेस्ट देते थे, और उसके बाद चारा बैल के लिए घर वाली या लड़का या कोई और होता था बैल के लिए उनके लिए चारा काट के रखते थे, उसे खाद होती थी उस खाद को हम लोग उस खेत में डालते थे, आजकल कैंसर और आपके जो लीवर संबंधी बीमारियां हैं हम लोग यूरिया डीएपी अनेकों तरह के जो छिड़काव करते हैं खेतों में फल सब्जियों में उसके कारण अनेकों तरह के रोग होते हैं, इसके पहले हमारे पास ऐसे ऐसे खेत होते थे जिसे हम अपने खाने के लिए बोते थे, आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ कचिया गेहूँ हुआ करता था, एक पानी में वो गेहूँ हो जाता था, एक पानी हम लोग देते थे तो पूरे के पूरे जो हम आज 10 पानी देते हैं एक पानी में वो गेहूँ पैदा हो जाता था, हम लोग वहाँ चना बोते थे चना बगैर पानी के प्रकृति के पानी से हो जाता था, अलसी बोते थे सरसों बोते थे, आज हम लोग जो है व्यवसाय की खेती के चक्कर में पूरे समाज को नष्ट करते चले जा रहे हैं, क्योंकि व्यवसाय खेती अधिक पैदा करने के लिए हम लोग अनेकों तरह के उर्वरक को उसमें छिड़काव करते हैं, अनेकों तरह की कृषि तकनीक का उपयोग करते हैं, हम यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों से अनुरोध करते हैं ऐसी तकनीक आप लोग अपनाइए और छात्रों को ऐसी शिक्षा दीजिए जिसे कि हम परंपरागत खेती जो हमारी पुरानी समय में होती थी वो फिर से विकसित हो और हमारे जो अन्न पैदा हो उसे हम बीमार ना पड़े बल्कि उसे स्वस्थ। अभी हमारे माननीय योगेश जी ने बताया कि शिक्षा के प्रकार उन्होंने बताया, उस शिक्षा के प्रकार में सारी बातें छिपी हुई हैं, जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी योग संगीत ये जो है व्यवसाय के लिए नहीं होती थी, फिट होने के लिए होती, हाँ उसके साथ साथ व्यवसाय भी जुड़ा रहता, आज हम किसानी करते हैं हमारे अधिक पैदा होता है तो उसको बेचते भी हैं उससे हम जरूरतों का काम पूरा करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं जैसे हम शहरों में देखते हैं परवल होता है बड़ा हरा हरा दिखता है, करेला है हरा हरा दिखता है, लेकिन उसमें कई तरह के रंग लगा करके वो लोग बेचते हैं, उससे क्या है उससे कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है, दूध को ही ले लीजिए कोई यूरिया डाल रहा है आज इतना खोया हो गया इतना वो मिल रही है बर्फी मिल रही है इतने तरह की आपको पनीर मिल रही है, कहाँ से है इतने हमारे पास जानवर नहीं है कि हम इतनी पनीर, पहले हम लोग तो आप लोग क्या करें यहाँ जो बुजुर्ग लोग होंगे गाँव में पहले शादी होती थी तो 10-12 गाँव से दूध और दही मट्ठा या पनीर तो ये इकट्ठा किया जाता था, आज एक घंटे में पनीर 2 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल ले लीजिए, ये कहाँ से आ रहा है, इतने बार हमारे पास गाय भी नहीं है इतनी हमारे पास भैंस भी नहीं है ये कहाँ से आ रहा है, ये सारा जैसे कि अन्य लोगों ने कहा कि पैसा कमाने की होड़ भ्रष्टाचार की होड़ में अपने आधुनिकीकरण की होड़ में ये सारे लोग भूल
कैंसर हो जा रहा है, कोई खान पीन में कोई दिक्कतें नहीं। कहते साहब मैं सुबह दूध पीता हूँ, दिन में लौकी की सब्जी खाता हूँ, दाल चावल खाता हूँ, उसके बाद उसको लीवर सिरोसिस हो जा रहा है, उसके बाद उसको कैंसर हो जा रहा है। लोग कहते हैं तम्बाकू से कैंसर होता है, लोग कहते हैं शराब पीने वालों को कैंसर होता है, लोग कहते हैं मीट मुर्गा खाने वालों को कैंसर होता है। शुद्ध शाकाहारी लोगों के बाद आज की डेट में कैंसर की समस्या अधिक हो गई है, क्योंकि हम लोग आधुनिकीकरण कृषिकरण तरह तरह के उसमें दवाइयाँ छिड़काव के कारण कृषि फल में सब्जी में डालते हैं, जिसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। मैं ऐसा यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भविष्य में कृषि वैज्ञानिक बनने वाले हैं, यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक लोग भी बैठे हैं। ऐसी टेक्निक का प्रयोग करिए जहाँ पर कम पानी है वहाँ पर ऐसी खेती हो जो दलहन तिलहन है उसको बोया जाए, यहाँ पर पानी की समस्या नहीं है वहाँ पर ऐसी कृषि की जाए जिससे कि वहाँ जैसे धान है गेहूँ ऐसे चीज लगाया जाए, गन्ना है ऐसे लगाया जाए जहाँ पर पानी की समस्या नहीं है। और इसका आदान प्रदान होता रहता है, पहले से व्यापार के माध्यम से होता रहा, अब क्या है जहाँ पर सूखा है पहाड़ों में बड़े बड़े टीलों में लोग गेहूँ बोएंगे तो उसमें 20 लाख पानी देना पड़ेगा। और अगर आप जो गन्ने के खेत है इसमें आप अलसी और चना बोएंगे तो होगा नहीं। जो मेरा पिछला कार्यकाल था वो लोगों की समस्याओं को समझने और समस्याओं को दूर करने, सबको प्रकाश मिले, सबको गैस गैस खुला हो जाए। तुम्हारी माँ से पहले पहले कंडा से रोटी बनाती थी, आटे बनाती थी, नाम क्या खराब हो जाती थी, उससे छुटकारा लेने के लिए था। और जो भ्रष्टाचार था डायरेक्ट जनधन खाता को जोड़ने जो सब्सिडी मिलती थी गरीब किसानों को गरीबों को, बड़े बड़े लोग ले लेते थे, जमींदार लोग ले लेते थे, प्रधान ले लेते थे, और वहां के जो बीज गोदाम के गोदाम का इंचार्ज होता था वो दूसरे की खाता वही लगा करके और उनका जो है पूरा पैसा हट जाता, क्योंकि अब आपका खाता और वही दोनों लिंक कर दी गई है। जब आप बीज लेने जाएंगे खाद लेने जाएंगे तो उसकी सब्सिडी है वो आपके खाते में आएगी, और अगर कोई आपके खाते से आपके वही खाते से कोई खाद बीज की सब्सिडी लेगा तो वो डायरेक्ट जो पैसा देगा वो सब्सिडी का पैसा आपके बचत खाते में आ जाएगा, इसलिए ये भ्रष्टाचार से काफी हद तक मुक्ति मिली है। दूसरा गैस सब्सिडी में पहले छोटे छोटे लोगों को गैस नहीं मिलती थी क्योंकि सब्सिडी का पूरा गैस और डीजल बेच लिया करता था। जो व्यवसायिक लोग होते थे उनसे वो पूरा खरीद ले जाते थे। अब अगर आपके नाम का कोई गैस सिलेंडर लेगा तो अगर उसकी सब्सिडी जो है वो आपके खाते में डायरेक्ट चली जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, जैसे कि आप कृषि सब्सिडी ले लीजिए, आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी ले लीजिए, जितनी सब्सिडी है डायरेक्ट खाते में जाती, पहले आप पैसा दीजिए उसके बाद जो सब्सिडी होगी उसका पैसा आपका वापस आ जाएगा। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है, अभी आप सभी लोगों ने भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा किया, उस चर्चा में सामने आया कि भ्रष्टाचार भारत में एकदम जड़ जमा चुका, निश्चित तौर पर जड़ जमा चुका। विगत 15-20 सालों में जो सरकारें आई गई, एक बीच में 5 सालों की सरकार छोड़ दी गई अटल जी, उसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल होता था। सब्सिडी में ही भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल होता था कि जिसको मिलना चाहिए पैसा उसके पास नहीं जाता था, बड़े लोग उसमें भ्रष्टाचार के माध्यम से और सरकारों के माध्यम से मिलकर मिलते थे। आज इस पर रोक लग गई, आज पूर्ण विराम लग गया। आप जानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री आवास में कितना पैसा है आपके खाते में, उसके बाद अगर ग्राम प्रधान और BDO या ग्राम विकास अधिकारी आपसे पैसा मांगेगा तो आप जान नहीं आएंगे कि घूस खा रहा है। इसके पहले सब्सिडी आती थी कोई जान ही नहीं पाता कि हमें सब्सिडी भी मिल रही है, बीज में खाद में किसी गैस सिलेंडर पहले तो नहीं मिल रहा था, क्योंकि गैस सिलेंडर पहले पूरा का पूरा व्यवसायिक लोग
कर दिया सारे सोसाइटी के, तो सारे चाहे कृषि का हो चाहे अन्य हो, सब्सिडी मिल रही किसी को उसी के खाते में जाएगी, चाहे आवास की हो, चाहे शौचालय बनाने की हो, चाहे एग्रीकल्चर के बीज और खाद की हो, और चाहे घर की रसोई चूल्हे के लिए। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आप सभी प्रतिभावान छात्र, हमारे मंच में बैठे वैज्ञानिक एवं अभिभावक, सारे लोगों को इसकी जानकारी देना चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचार इस देश में अपनी जड़ जमाए हुए था और किस तरह से मोदी जी धीरे धीरे उसको खत्म करते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर 2024 तक आप सभी लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर खत्म हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की समस्याओं को लेकर के, किसानों को लेकर के और किस तरह से हमारा जल संचय सुरक्षित रहे इसके लिए इस बार इस सरकार में पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। उसी के तहत 2,000 प्रति तिमाही, 2,000 प्रत्येक किसानों को प्रति तिमाही उसके लिए दिया जा रहा है, जिसे कोई गरीब ये ना कह सके मेरे खेत में बीज बोने के लिए नहीं है, मेरे खेत में खाद डालने के लिए पैसा नहीं है, जुताई के लिए नहीं है, उसके लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को दे। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप किस हद तक उस पैसे का उपयोग करते हैं, सब्सिडी के पैसे का अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए, जो लाभार्थी हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो चाहे शौचालय, कितनी भी योजनाएं हैं वो सही तरीके से हो। अगर कोई आप लोगों को घूस मांगता है उसका वीडियो बना करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोर्टल में डाल दीजिए, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जेल जाएंगे। पहले जैसे मैं आप सब लोगों से यही आशा करूंगा, जिस तरह से पहले परंपरागत खेती होती थी उस खेती को बढ़ावा देने के लिए आप सभी कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि स्टूडेंट उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और एक बार फिर भारत की कृषि प्रधान देश जो कहा जाता था और कृषि आधारित देश कहा जाता था, फिर से कृषि का उसी तरह सम्मान बढ़े और ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था जो पहले हमारी होती थी लेन देन, आज भी वो प्रचलित रहे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, एक दूसरे के यहाँ जैसे किसी का गेहूँ पैदा हुआ तो धान नहीं हुआ तो आपस में बदलना, और किसी के यहाँ अनाज भी है तो किसी के यहाँ चना हुआ है आपस में पहले लोग बदल लेते थे, अब क्या है अब सीधे बेच देते हैं, तो पहले किसान से वो 1,000 रुपये क्विंटल ले जाएगा, आपकी वो 100 रुपये किलो आपको चढ़ाते जब आप दुकान ले रहे हैं। पहले क्या होता था कि भैया दादा हमारे पास गेहूँ अधिक पैदा हुआ है आप हमें थोड़ा चना दे दीजिए, हम तो दूना गेहूँ दे दीजिए, अब क्या है सारे लोग अपना बेच देते हैं, फिर जब उनको जरूरत पड़ती है तो वही साहू का वही व्यापारी आपको 10 गुना अधिक देता है। हम अभी परसों गए थे मथुरा, मथुरा के वृंदावन के सामने हाईवे में एक भुट्टा बेच रहा है, वो भुट्टा निकाल के उसको उबाल देते हैं कि कोई एक बर्तन और उसमें मुश्किल से 1 चम्मच रहता होगा, मतलब एक भुट्टे में 4 लोगों को देते हैं निकाल कर, और उसको 70 रुपये में एक कप में देते हैं, 1 चम्मच छोटा दे देते हैं, उसको बेबी कहने ऐसे कुछ बोलते हैं, और हम लोग उस भुट्टे को यहाँ पर कीमत नहीं समझते हैं, जिसको ले जा रहा हो ले जाए, आओ कितना भुट्टा खाना है आपको। तो ये भारत की परंपरा थी, आज उस भुट्टे को अगर आप बाहर लेके जाएंगे यहाँ पर आपको भुट्टा लगता है 1 रुपये का ऐसे दे, 2 रुपये का ऐसे दे, उस एक भुट्टे को 4 लोगों को बेचते हैं। अब आप
छोले लिए, दाल लिए, बेसन लिए, अनेकों तरह के हम लोग चना बेचते हैं जब तो 30-40 रुपए किलो यहाँ सबसे ले जाते हैं। उसके बाद जब हम उनके यहाँ लेने जाते हैं तो कहते हैं छोला है 110 रुपए किलो मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग पुरानी परंपरा का खेती के बढ़ावा एवं अच्छी तरह से उसका विकास हो और उसकी पैदावार बढ़े, जिस तरह से अभी पैदा हो रहा है इससे 4 गुना भी पैदावार हो, ऐसे फसलों का, ऐसे बीजों का निर्माण करें और देश के उन्नति में, देश के विकास में मोदी जी के इस अभियान में, भ्रष्टाचार मुक्त अभियान में आप सब लोग अपना योगदान दें और भारत को फिर से एक बार विश्व गुरु बनाए। और अभी आप सब लोग बहुत देर से हम बैठे बैठे उनसे भी होंगे, पानी भी प्यास सही होगी, लेकिन जैसे अभी हमारे पहले अन्य लोगों ने कहा एकाग्रता, तो आप लोग एकाग्रता से यहाँ पर बैठे रहे, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भारतवर्ष को आगे बढ़ाएं, अपने अपने परिवार, माता पिता, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा 4 घंटा हो गया है और आप सब लोगों को हम गर्वित नमन करते हैं कि 4 घंटा आप लोग ऐसे इन बच्चों के लिए बैठ करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वास्तव में कुछ बदलाव होने वाला है हमारे बीच में। अब वो समय आ गया है जब हम अपने बच्चों को पुरस्कार करेंगे, उनको पुरस्कार देंगे। ज़्यादा पुरस्कार नहीं है, बहुत 10 मिनट का समय और 10-15 मिनट का शांतिपूर्वक समय और चाहेंगे और उसके बाद कार्यक्रम समापन होगा। उसके भीतर विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, उन बच्चों को हम पुरस्कार देते हैं। ये प्रत्येक वर्ष जो बच्चे सफल होते हैं उनको पुरस्कार देते हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं या अन्य क्षेत्र में बहुत जो विशेष प्रतिभा होती है उन बच्चों को पुरस्कृत करते हैं। जैसे इस बार हमारे बीच से एक बालिका ने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, कृषि विश्वविद्यालय में, सुरेखा भारती, इसमें यहीं से ओरा से तैयारी करके और कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद में, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। इसके अलावा एक हमारा बच्चा आसिफ अली है जो कि बीएससी एजी के बाद जो बीएससी की परीक्षा होती है उसने यूपी कैडेट की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 5वां स्थान पाया। फिर उसका जो दूसरा अचीवमेंट था वो उसने 11वीं परीक्षा पास की। 11वीं परीक्षा में क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद बीएससी के बाद जो 11वीं परीक्षा पास करते हैं तो उनको फेलोशिप मिलता है, उनको 12-13 हज़ार रुपये महीने मिलता है। 13 हज़ार रुपये महीने में मिलेगा और वो पढ़ाई भी करेगा। अब ये जो बच्चे हैं वो प्रेरणा स्रोत है उनके लिए, प्रतिभा के लिए पैसे की कमी नहीं है। आप अगर प्रतिभावान हैं तो आपको स्थान पर खड़े हो जाएंगे जहाँ पर सरकार आपको 12 हज़ार रुपये देगी और डिग्री भी देगी। हमारे बीच से निकला बच्चा एक साल पूरा हमारे साथ रहा, हमारे पास पढ़ा, तो ऐसे बच्चे के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं कि वो जायदाद निकाल करके फिर पन्नगर में उसका एडमिशन हुआ है। उसके अनुपस्थिति में तो एक्चुअली उसकी काउंसलिंग है 2 से 5 के बीच में, उसके लिए उनकी उसकी अनुपस्थिति में सामग्री उस पुरस्कार को लेंगे। ऐसे अन्य अन्य बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, अभावों में अच्छी सफलता हासिल की है और मेरा तो मानना कि शिक्षा अभाव में ही मिलती है, सुविधाओं में शिक्षित नहीं होता कोई, अगर सुविधाओं में शिक्षित हुआ होता तो ये रामायण में भगवान राम वन को नहीं जाते शिक्षा में, अभी तो स्वीकार नहीं करना चाहिए छात्रों को, अभावों में ही शिक्षा मिलती है। अभी हमारे बता रहे कि वो जो बर्तन मांजना सीख लेगा वही सफल होगा, सत्य बात है।
बना बनाया खाना और अच्छा बिस्तर की चिंता करेंगे तो शिक्षा नहीं दे पाएंगे। बर्तन मांजना और रोटी बनाना और चार मित्रों के साथ रह करके प्रेम से खाना खाना और अपना कम आर्थिक व्यवस्था में अपना आगे तक बढ़ते रहना, ये हमें सीखना चाहिए। तो ये एक बच्चे इस तरीके से निकल रहे हैं और आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इस क्रम में हमारे बीच जो पुरस्कार चार पुरस्कार देते हैं, कृषि विज्ञान गोला गौरव पुरस्कार, श्रीमान सूर्यलाल गोविंद वर्मा स्मृति पुरस्कार देते हैं, वीरेश पाल सिंह स्मृति पुरस्कार देते हैं, गोला गन्ना गौरव पुरस्कार देते हैं। चार प्रकार के पुरस्कार हैं और उसके अलावा जो बच्चे सफल हो जाते हैं उनके पुरस्कार देते हैं। हमारे जो सफल छात्रों में सूर्य प्रताप है, सूर्य प्रताप परमानंद राठौर, अनुराग राम शरण, पिंकू मौर्य, कुणाल वर्मा, विपिन कुमार, राजपाल, राजेश सानू, इनमें से जितने लोगों को इधर आ जाए ताकि उनको पुस्तक दिया जा सके, आ जाओ जो भी लोग उपस्थित हो जल्दी से आ जाओ दौड़ के। उसके बाद जो एमएससी में एडमिशन पाने वाले हैं, शिवम सिंह है, शिवम पटेल है, आलोक है, वहीद है, सोम सिंह, शिवम पटेल, जो भी बच्चों मोहित वर्मा है। सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय कृषि विज्ञान प्रतियोगिता बोर्ड परीक्षा कराई जाती है, उसमें कोई जिले में बच्चों को चयन किया जाता है। पहली परीक्षा कराई जाती है उसमें 50 बच्चों का चयन किया जाता है, उसके बाद 50 बच्चों में भी 2-3 बच्चों का चयन किया जाता है जो सबसे टॉप होते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। अभी जागरूकता की कमी है, हमने 3 बच्चे चयन किए थे, उनको प्रथम वाले को ₹1,000 नगद पुरस्कार दिया जाता है और स्मृति चिन्ह दिया जाता है, दूसरे वाले को ₹800, तीसरे वाले को ₹500, ऐसे करके उनको हमारे जो संस्थान में उनको फ्री पढ़ाई कराई जाती है। प्रथम वाले को पूरी 100% फ्री पढ़ाई है, सेकंड वाले को 75% छूट है, थर्ड वाले को 50%, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उसमें से 2 बच्चे नहीं आ पाए हैं, 1 बच्चा आया है, मोहित वर्मा, इसने कृषि विज्ञान प्रतियोगिता बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था। तो हम चाहते हैं कि मोहित हमारे डॉक्टर सुंदर आपका वैसे हम चाहते हैं कि केवल आशीर्वाद दें, लेकिन आपने वो दिया है, उसको प्रसाद स्वरूप स्वीकार है। सर से डॉक्टर सिंहभूजन सर आप बच्चे को पुरस्कृत करें। अनुराग हम निवेदन करेंगे जनरल सिंह भाई साहब से आप अनुराग को पुरस्कृत करने की कृपा करें। राम शरण हम अपने चचा श्री राजेंद्र सिंह भदौरिया जी से निवेदन करेंगे राम शरण जी को पुरस्कृत करने की कृपा करें। पिंकू मौर्य हम आदरणीय वीर सिंह जी चाचा से निवेदन करेंगे कि आप पिंकू मौर्य को पुरस्कृत करने की कृपा करें। राज नरेंद्र बोस विश्वविद्यालय में बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लिया आदेश हम डॉक्टर आदेश अपना पुरस्कार प्राप्त करें। शिवम सिंह, शिवम पटेल, आलोक वही करेंगे आ जाए और शिवम सिंह को पुरस्कृत करने की कृपा करें।
भाई साहब खड़े रहे राकेश उपाध्याय पुरस्कृत करेंगे शिवम सिंह। हम सुरजनलाल चाचा से निवेदन करेंगे कि आप आलोक को पुरस्कृत करने की कृपा करें। हम बालकृष्ण चंद्रौर जी से निवेदन करेंगे शिवम पटेल को पुरस्कृत करने की कृपा करें। हिमांशु जी से निवेदन करेंगे आप अजीत को सर इधर देखिए सर। हम लोग नीचे ही रहे तो अभी और हम कृपया सुरजनलाल चाचा से निवेदन करेंगे नीचे ही आप। इसके बाद हम और पुरस्कार देते हैं। इसके बाद हम श्रीमान बालबिंदु वर्मा स्मृति पुरस्कार देंगे, ये सुरेखा भारती को देंगे। उसमें 1000 रुपये नगद पुरस्कार जो एस पी सिंह पुरस्कार, चूंकि ये बच्ची है इसके लिए सब लोग जोरदार तालियों से इसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट कि हर बच्ची के मन में ये संकल्प पैदा हो कि हम भी बी एस सी ए जी करेंगे और हम भी देश को खाद्य बनाएंगे और बी एस सी ए जी करके सेवाएं देंगे। इसके बाद स्वर्गीय विदेश पाल सिंह स्मृति पुरस्कार हम जाएंगे, हमारी माता जी भी उसमें हाथ लगा दें। ये कपिल वर्पिल ने पूरे कोचिंग में जितने भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण की, इन्होंने कोचिंग की नीतियों के अनुसार पूरी फ्री पढ़ाई की है और हमेशा क्वेरी की, हमेशा टॉप पर रहे हैं और पूरे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। इनका बहुत ही अभिनंदन, बहुत ही स्वागत, सभी लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ऐसे कृषि विज्ञान गोला गौरव पुरस्कार आसिफ अली को मिलना है, उसने हम इस्लामुद्दीन से निवेदन करेंगे कि वो आकर के उनका आसिफ का ये कृषि विज्ञान महीने लेकर के वो पढ़ाई करेंगे। हम निवेदन करेंगे आप भी नीचे आ जाएं और योगेश जी भाई साहब आप भी नीचे आ जाएं, डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी आप भी नीचे आ करके और पुरस्कार देने की कृपा करें। और सभी लोग जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। इसका योगदान होता है हमारे क्षेत्र के लिए, तो गन्ना गौरव में जो चीनी मिल के पिछला गन्ना गौरव पुरस्कार चीनी मिल के विद्वान में सीनियर मैनेजर के अंदर उनको दिया गया था। पिछली बार हमारे गन्ने में सप्लाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। श्री रामपाल सिंह भदौरिया जी पूर्व गन्ना चेयरमैन, सब लोग जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें और हम चाहते हैं सभी लोग मिल करके आपको ये सम्मान देने की कृपा करें। आदरणीय श्री चाचा जी राजेंद्र सिंह भदौरिया जी और आपके साथ सबकी तस्वीर हो जाए, ये बहुत ही अच्छा होता है। भ्रष्टाचार के लिए सब कहते हैं लेकिन हर पल भ्रष्टाचार अधिक भी हो और ब्रह्म तत्व से युक्त हो, ऐसा सभी छात्रों के मन में संकल्प जागे इसके लिए हम सभी से चाहते हैं कि सभी लोग अब ये पुरस्कार देने का क्रम समाप्त हुआ है। हमारा ये जो स्मृति चिन्ह वितरण का कार्य इसके बाद होगा, हमारे बीच अध्यक्ष जी भाषण 2 मिनट का होगा, 2 मिनट अध्यक्ष जी बात कही जाएगी और स्मृति चिन्ह आखिरी कार्यक्रम बचा है उसको और कुछ नहीं है और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जा रहे हैं। हमारे मित्र मिल गए हैं, उनका नाम नहीं हो ब्याह हो जब टैबे श्रीमान आगे श्रीमान वीर सिंह चौहान जी को सीधा करो सीधा
हमारे बीच डॉक्टर पंकज सिंह को, पंकज सिंह जी को हमारे श्रीमान कृषि ज्ञान पर विभाग बोर्ड परीक्षा हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये 500 रुपये नहीं, इस्लामुद्दीन जल्दी पहुंचे और इस प्रतिज्ञा देने डॉक्टर सुपूजन सर को, पंकज सिंह जी को, आप डॉक्टर पंकज सिंह जी को इस प्रति चिन्ह देने की कृपा करें। इसमें भी चिन्ह देते जल्दी से चिन्ह ले लें। संजीत जी, संजीत राणा जी आइए इस प्रति चिन्ह ले लें। फोटो खींच जाएगा आप बाद में। अच्छा अच्छा सर सामने देखिए सर। अरे भाभी जी श्रीमान बालकृष्ण सिंह राव जी को आप इस प्रति चिन्ह दे दौड़ के। हम संगम जी भाई साहब से निवेदन करेंगे। भुवनेश्वर आप हमारे ताऊ जी को इस स्मृति चिन्ह देने की कृपा करेंगे। आगे आ जाए फोटो भी खिंचवाए जल्दी आ जाए स्मृति चिन्ह देने। माता जी से निवेदन करेंगे। दीदी को भी इसका बोलने का समय जुलाई है, 15 अगस्त तक खींच खांच के बोलते हैं। बाकी आप प्राप्त करें, नंबर हमने दे दिया आपको। और किसको बोलते हैं? सामने देखिए भैया, और सीधा कीजिए। फोटो कहाँ बना?